बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.2, चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन इज, इन फिगर 6.29, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, सी डी और ई एफ पैरेलल लाइंस हैं आपस में, और वाई और जेड में रेशियो दिया गया है। वाई और जेड में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। रेशियो का मतलब है कि एंगल्स को जब हम डिवाइड करेंगे, वाई और जेड को आपस में डिवाइड करेंगे, तो वो रिड्यूस होकर 3:7 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एंगल एक्स की। ये यहाँ पे जो बना हुआ है, इस एंगल की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप इस फिगर को देखिए बेटा, यहाँ पे लाइंस जो हैं ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वो होते हैं आपस में बराबर। अगर ये वाई है तो इधर वाला एंगल भी क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं यहाँ पर। चाहे तो यहाँ पे हम एक पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट, और यहाँ पे मान लेते हैं आर पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो सी क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू आर इज इक्वल टू वाई वर्टिकल एंगल। एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी क्यू आर, डी क्यू आर इज इक्वल टू वाई, रीजन दीज आर वर्टिकल एंगल। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, क्वेश्चन में ये हमें गिवन है। ठीक, अब सी डी और ई एफ पैरेलल लाइंस हैं और ये क्यू जेड ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल और पैरेलल के बीच वाले होते हैं को इंटीरियर, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। Therefore, y plus z is equal to हो जाएगा 180 degree, reason को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, y plus z is equal to हो जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में आ रहे हैं और पैरेलल लाइन सी डी और ई एफ के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाएगा को इंटीरियर एंगल। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये चीज आई है y plus z is equal to 180, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन वन, और साथ में हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है y रेशियो z is equal to 3:7, ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू जो होगी वो 3 मल्टीप्लाई के, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर, एंड z is equal to 7k होगी। अब ये y और z की वैल्यू उठा के 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू 3k प्लस z की वैल्यू 7k, 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180, 3k प्लस 7k कितना हो गया 10k इज इक्वल टू 180, इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर 18, k की वैल्यू 18 मिल गई। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किसकी, y और z की। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3k, दैट इज
3 multiply 18 is equal to 54. 18 3 is a 54 degree. And z की वैल्यू हो जाएगी 7 के, दैट इज 7 into 18, 18 7 is a 126 degree. तो y z की वैल्यू यहां पर मिल गई, ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि ए बी और सी डी भी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है. ए बी और सी डी लाइंस भी कैसी हैं, पैरेलल हैं. क्वेश्चन में ये चीज हमें गिवन है, ठीक है. अब ये ए बी और सी डी पैरेलल हो गए, पी क्यू ट्रांसवर्सल है. पी क्यू इज ट्रांसवर्सल. पी क्यू कैसी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के और पैरेलल के बीच वाले एंगल होते हैं को इंटीरियर. Therefore, x और y कैसे हो गए, को इंटीरियर. और को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है. को इंटीरियर एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री होंगे. y की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है तो पुट कर देंगे. y की वैल्यू कितनी, 54. तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 180. सॉल्व किया, प्लस का 54 इधर आया, माइनस का हो गया 180 माइनस 54. और 180 माइनस 54 कितना होगा, 126 डिग्री. तो यहां पर हमें फाइनली x की वैल्यू मिल गई है 126 डिग्री. यही हमारा है आंसर. तो x की वैल्यू इसमें कितनी है, 126 डिग्री है, ठीक है. राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन.